तीन चार महीने से सर बिल्कुल स्कूल जाना बंद कर दी है, बिल्कुल स्कूल नहीं जा रही है। हाई स्कूल में जो है हमारी लड़की टॉपर थी, लेकिन बिल्कुल वो जो है उसकी पढ़ाई बर्बाद हो गई है और स्कूल जाना बिल्कुल बंद हो गया। हम लोग कई बार जो है कई जगह शिकायत किए, लेकिन कोई जगह सुनवाई नहीं है। अब हम लोग कहाँ जाए, किससे जो है कहें। हमारी सरकार संवेदनशील है, जो मामला प्रकाश में आता है उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाती है। अभी जिसकी आप बात कर रहे हैं सोनवा थाने का जो नेवरिया का मामला है, इस पर पुलिस ने आरोपी को बुरी तरीके से पीट करके जेल भेजा है और दूसरे की तलाश पूरी तरीके से जारी है। हमारे मुख्यमंत्री जी इस मामले में काफ़ी संवेदनशील और गंभीर हैं। किसी भी आरोपी को जो गलत काम करेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। वो कितना ही नज़दीक किसी का क्यों न हो, उसको किसी भी राजनीतिक नेता का संरक्षण प्राप्त नहीं हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, योगी राज है, ये गुंडा माफिया और तस्करों को यहाँ से खदेड़ने का काम हमारे योगी जी कर रहे हैं। या तो वो जेल के शिक्षों में रहेंगे अथवा जेल वो प्रदेश छोड़ के भाग जाएंगे। सुरक्षा के तमाम दावे कर रही है, लेकिन जमीनी हकीकत तो कुछ और ही है। श्रावस्ती जनपद में संबंधों का आतंक इतना बढ़ गया है कि बच्चियाँ अब स्कूल जाना ही बंद कर दी हैं। वहीं परिजनों का आरोप है कि पुलिस मंचलों पर कार्रवाई करने के बजाय मामले में लीपापोती कर रही है। ऐसे में सरकार के द्वारा चलाया जा रहा बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ आंदोलन कितना सफल है, यह आप ही बता सकते हैं। ईटीवी भारत के लिए अभिषेक सिंह, श्रावस्ती।